आप सभी ने बचपन में नटराज और अप्सरा पेंसिल का यूज तो किया ही होगा और जो अभी बच्चे होंगे वो इन पेंसिल का यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आप सभी से पूछूं कि नटराज और अप्सरा दोनों पेंसिल में कौन सी पेंसिल बेहतर है तो कुछ लोगों का जवाब नटराज होगा तो कुछ का जवाब अप्सरा। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि नटराज और अप्सरा दोनों एक ही कंपनी के दो ब्रांड है। अब सवाल आता है कि कंपनी को पेंसिल ही बनानी थी तो दो अलग अलग ब्रांड क्यों बनाए, एक ब्रांड के अंदर पेंसिल क्यों नहीं बनाई, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। 1939 के दौरान इंडिया में करीब 6.5 लाख रुपए की पेंसिल जापान, जर्मनी और यूके जैसे देशों से इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद अचानक पेंसिल की सप्लाई रुक गई। ऐसे में कुछ इंडियन बिजनेसमैन ने पेंसिल बनाने का फैसला लिया और उन्होंने पेंसिल बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फिर से इन देशों से पेंसिल आने स्टार्ट हो गए। ऐसे में इंडियन पेंसिल इसके सामने नहीं टिक पाई और बिजनेस चौपट हो गया। ऐसे में बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और आजादी के बाद गवर्नमेंट ने पेंसिल के इम्पोर्टेशन को कम कर दिया, जिससे इंडियन बिजनेसमैन को पनपने का मौका मिला। लेकिन फिर भी इंडियन कंज्यूमर इन पेंसिल से सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद बीजी सांगवी, रामनाथ मेहरा, मनसुखनी तीनों ने मिलकर 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल की शुरुआत की। अब बात ये थी कि इन तीनों ने पेंसिल के बिजनेस को जर्मनी जाकर सीखा। नटराज पेंसिल के रूप में कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जो काफी किफायती और मजबूत था। अब धीरे धीरे ये पेंसिल लोगों को पसंद आने लगा। फिर बाद में कंपनी का कंट्रोल बीजी सांगवी के हाथों में आ गया। नटराज पेंसिल की सक्सेस के बाद कंपनी ने डुअल ब्रांड स्ट्रेटेजी को अपना कर 1970 में अप्सरा पेंसिल को मार्केट में लॉन्च किया। शुरुआत में इसका फोकस ड्रॉइंग पेंसिल बनाने में था, लेकिन बाद में कंपनी ने वो सभी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जो नटराज के आते थे। अब कंपनी ने डुअल ब्रांड स्ट्रेटेजी के तहत नटराज पेंसिल की पहचान एक मजबूत और किफायती पेंसिल के रूप में बनाई, जबकि अप्सरा पेंसिल की पहचान एक प्रीमियम पेंसिल के तौर पर बनाई। इससे फायदा ये हुआ कि दो अलग अलग ब्रांड से सभी तरह के कंज्यूमर, मतलब वो जिनको किफायती और मजबूत पेंसिल चाहिए और वो जिनको प्रीमियम पेंसिल चाहिए, कवर हो गए। इसके चलते कंपनी की दोनों पेंसिल कई सालों तक नंबर पेंसिल बनी रही। वैसे आप लोगों को क्या लगते हैं, नटराज और अप्सरा दोनों पेंसिल में कौन सी पेंसिल बेहतर है? ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।